तो गाइस आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आपको आज बता दूं कि पता है मैं कहां पे जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं एक माइनक्राफ्ट के ऐसे कर्ज्ड विलेज के अंदर जो कि एक इतना शापित विलेज है और उसके अंदर जो भी जाता है वो वापस लौट के कभी नहीं आता। सो मैं वहीं पे आ चुका हूं और मैं देखना चाहता हूं कि आखिर इस विलेज में ऐसा खास क्या है जो कि इसके अंदर जाने के बाद कोई बंदा वापस लौट के नहीं आता है। और वैसे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मेरे को काफ़ी खतरनाक सी आवाज़ें तो आ रही हैं, लेकिन गाइस अब देखना पड़ेगा अंदर जाके अंदर यहाँ पे है क्या। वाओ यार, विलेज तो काफ़ी सुंदर और प्यारा सा है, बट इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो मेरे को नहीं पता। वाओ गाइस, ओ माय गॉड गाइस, ये देखो यहाँ पे आते ही मेरे को यहाँ पे एक क्लू मिल चुका है एकदम हॉरर चीज़ का। गाइस यहाँ पे एक विलेज का सर टंगा हुआ था भाई। ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पे, और ये क्या हो रहा है भाई, ये लोग भाई इतने सारे विलेजर्स जो हैं वो एक स्टीप को पका के खा रहे हैं, एक स्टीप को पका कर खा रहे हैं वो लोग। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा भाई, इतने खतरनाक लोग कैसे हो सकते हैं ये लोग। गाइस यार बेरहम लोग हैं ये तो, बेरहम भाई। गाइस ये लगता है मेरे को बहुत डर लग रहा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे आके बहुत बड़ी गलती कर दी। और अच्छा ये हो कि मैं यहाँ से बहुत तेजी में भाग लूँ अपने घर की तरफ जहाँ भी मेरे को जाना है भाई। सो गाइस अब सुबह हो चुकी है, रात की बात आपको याद ही होगी मेरे साथ रात में क्या हुआ था भाई, सबसे खतरनाक चीज़ गाइस। और मैं दोबारा से इस विलेज के अंदर आ चुका हूँ, लेकिन उस टाइम रात थी और अब हो चुका है दिन। और अब देखते हैं कि दिन में क्या होता है यहाँ पे यार। और गाइस अब देखते हैं कि यहाँ पे दिन में हमारे साथ क्या होता है। वेट, ओ ये तो वही जगह जहाँ पर मैं रात में आया था। और गाइस यहाँ पे कुछ लोग कुछ खतरनाक चीज़ कर रहे थे, आई थिंक वो किसी को पका के खा रहे थे और वो पता नहीं कहाँ पे चले गए। और लगता ही ओ भाई ज़ॉम्बी का सर, भाई साहब खून काफ़ी सारा पड़ा हुआ है यहाँ पे, लगता है ये जगह हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गाइस तो हम लोग फालतू में यहाँ पे आ चुके हैं और लगता है हमें ओ माय गॉड यहाँ पर भी गाइस एक सर लगा हुआ है बंदे का, कितने सारे सर हैं, लगता है ये खूनी विलेज है भाई। लेकिन आखिर ये सब कर कौन रहा है, क्या वो विलेजर कर रहा है जो कि रात में था, या फिर कोई और ही है यहाँ पे। हाँ गाइस वो लोग यहीं पर उसे पका कर खा रहे थे यार, यहीं पर देखो यहाँ पर पड़ा हुआ है मीट काफ़ी सारा। सो गाइस लगता है हमें मैं पता लगाऊं कि यहाँ पे कौन था, अभी तो मेरे को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। और हाँ मुझे लगता है वो लोग रात में आते होंगे, दिन में कोई आता ही नहीं यहाँ पे। और ये रहा एक विलेजर गाइस, यहाँ पे सिर्फ एक ही विलेजर बचा हुआ है। वेट ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस यार, ये क्या है, ओ माय गॉड इतने सारे विलेजर्स की डेथ बॉडीज गाइस। और ये एलेक्स वगैरह ज़ॉम्बी, ओ माय गॉड ये क्या है गाइस, व्हाट इज दिस यार गाइस, मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है सब देख के गाइस। ओ माय गॉड ये तो वही विलेजर जो इन सभी को पका के रात में खा रहा था, और शायद मेरा सब सही निकला, ये इसी ने सबको मारा है। सो गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमारी ज़िंदगी इस माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड के अंदर कैसी बीत रही है। और मैं सारी बातों को वैसे नज़रअंदाज करने के बाद मैं एलेक्स के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा येलो कलर का फूल देख लेने के लिए जा रहा हूँ, उसको देने के लिए। सो वो घर पे है, ओके वो घर पे ऑलरेडी है, तो उसको मैं बुलाता हूँ बाहर। एलेक्स फटाफट से बाहर आ। सो मैंने एलेक्स को देने वाला हूँ ये फूल, जिससे कि वो आराम से मेरे से थोड़ा इम्प्रेस हो जाएगी। ओके मैंने उसे फूल दे दिया है, आई थिंक वो इम्प्रेस हो चुकी है। सो वो जा रही है अपने घर के अंदर। एंड ये क्या, कुछ तो बोल एलेक्स, प्लीज टेल समथिंग। वाओ वो मुझसे इम्प्रेस हो चुकी है। अब गाइस टाइम आ चुका है जाने का कहीं और, क्योंकि हम लोग ज़्यादा देर यहाँ पर रुक नहीं सकते, क्योंकि ये वर्ल्ड गाइस उतना अच्छा नहीं है। एंड गाइस मैं माइनिंग करने गया था और मैं काफ़ी सारा सामान माइनिंग करके आ चुका हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ अपने घर पे दोबारा से। वो रहा मेरे सामने घर, चलते हैं फटाफट से घर में। देखो मैंने डायमंड माइन करे हैं, 7 के 7 डायमंड माइन करे हैं, 7 डायमंड और काफ़ी सारी। वेट भाई ये कौन सा स्टीव है, अरे भाई क्या हो गया गाइस, मुझे लगा ही था कि काफ़ी देर हो गई, यहाँ पे कुछ खतरनाक चीज़ यहाँ पे हुई नहीं है, और वो मेरे सामने हो चुकी है। कौन, ओ माय गॉड एलेक्स को इस बंदे ने मार दिया, मेरी प्यारी एलेक्स तुम्हें उसने कैसे मारा, अरे यार मुझसे क्या हो गया भाई, मैं यहाँ पे क्यों नहीं था भाई, तू कौन है, तूने फालतू में एलेक्स को क्यों मारा, तू जो भी है मेरे सामने आना भाई, कहाँ भाग गया, कहाँ जाकर छुप गया तू, अपनी मम्मी की गोद में, सामने आ भाई, जहाँ जो भी है सामने आ, तूने एलेक्स को मारा कैसे, फटाफट सामने आ मेरे भाई, जो भी है तू। गाइस यार पता नहीं ये कौन था भाई, और ये एकदम से गायब कहाँ हो गया, ये इंसान है कि कौन है, भूत तो नहीं है कहीं ये। गाइस रुको मैं लावा के अंदर कूद रहा हूँ, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। सो गाइस मैं स्पॉन हो चुका हूँ यहाँ पर, देखो एक हवेली के अंदर, ये काफ़ी प्यारी हवेली है और यहाँ पे रात हो चुकी है। रात होने के बाद यहाँ पे माहौल देखो कितना खतरनाक और हॉरर सा है, और कितना सारा यहाँ पे ब्लड पड़ा हुआ है, और लगता है ये जो ब्लड है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और देखते हैं कि आखिर यहाँ पे है कौन गाइस, इस ब्लड का कहीं यहाँ पे कोई रहता भी है फिर नहीं रहता है,
ओ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खून ही खून पड़ा हुआ है। वेट, ये रहा स्टीव भाई, मतलब किसी बंदे ने स्टीव को यहाँ मार रखा है, और इससे ये बात साबित होती है कि यहाँ पे एक बंदा जरूर 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 है, चाहे वो कोई भी हो लेकिन यहाँ पे वो है जरूर गाइस, और उसको हमें ढूंढना ही पड़ेगा। और अगर हमें ढूंढा नहीं तो गाइस पता नहीं, ओ माई गॉड हीरो ब्राइन, मतलब उस बंदे को हीरो ब्राइन ने मारा था स्टीव को। और लेकिन हीरो ब्राइन तुझे भाई क्या हो गया, तू इन लोगों को मार क्यों रहा है भाई, तेरी दुश्मनी किससे है भाई हीरो ब्राइन। ओ माय गॉड ये कौन है यार, ओ माय गॉड गाइस ये तो एक घोस्ट सा बंदा लग रहा है, लेकिन ये उल्टा क्यों है, अबे नहीं मेरे पास में क्यों आ रहा है, शिट अबे शिट भाई मार रहा मेरे को, अरे भाई इसने मेरे को पटक दिया भाई, ओ नो। तो चलो गाइस आज करते हैं अपनी खेती, खेती करने का टाइम काफी अच्छा है, ये रात में खेती करने में काफी मजा आता है। वेट वो क्या है सामने, स्किप द टॉयलेट वाली एलेक्स, स्किप द टॉयलेट एलेक्स, और ये जा कहां पे रही है, ओ माय गॉड ये तो गई है एक सीक्रेट बेसमेंट के अंदर, और आई थिंक ये काफी अच्छा मेरे लिए साइन नहीं है गाइस, और हमने अगर चेक नहीं किया कि अगर वो कहां जा रही है तो शायद हमारे लिए बहुत ही बुरी बात साबित हो सकती है। और ये तो जा रही है हमारी बेसमेंट के अंदर, लेकिन यहाँ पे करने क्या आई है, और वेट ओ ब्लड ब्लड, और ये क्या किसका ब्लड है, ये आखिर इसने किया क्या है भाई, किसके साथ किया है, यहाँ पर तो कोई था भी नहीं, फिर आखिर इसने मारा किसको है, और ये खून किसका है भाई, और आखिर ये गायब कहाँ हो गई है, स्किबदी तू कहाँ चला गया स्किबदी, वेयर आर यू ब्रो, नो नॉट ब्रो, वो मेरा दोस्त नहीं है गाइस, वो बहुत ही खतरनाक बंदा है, और मुझे पता नहीं कि आप लोगों से जानते हो या फिर नहीं जानते हो, बट वो शायद यहाँ पे केव की तरफ गया होगा। हाँ देखो यहाँ पे गाइस मैं खून को फॉलो कर रहा हूँ, और खून को फॉलो करते करते मैं आ चुका हूँ इस केव की तरफ, और इस केव में ही शायद वो गया होगा, और यहाँ पे पड़ा हुआ है। वेट ओ माय गॉड ये देखो भाई कितने सारे लोगों को उस अकेले स्किबदी टॉयलेट ने मार रखा है स्टीव, ओ भाई इतनी गंदी तरह से भाई मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ, और ये दो ये भाई चार चार लोगों को मार रखा है अकेले उसने, शिट भाई भाग लो यहाँ से, भाग लो भाई बहुत डर लग रहा है मेरे को, भागो रन भाई रन फटाफट रन करो, शिट यार ये तो बहुत ही गंदी जगह है। अब मैं दोबारा जहाँ से आया था वहीं सोने के लिए अपने घर पर आ चुका हूँ, क्योंकि मेरे को फालतू का ड्रामा नहीं करना है गाइस, किसी के भी जंगल मेरे को फंसना नहीं है। सो गाइस यार वेट वेट गाइस वेट, ये क्या यहाँ पे कैसे आ गई गाइस, ये यहाँ पर कैसे आ गई मेरे घर में, भाई भाई नो 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 स्किप दी रो भाई भागो यहाँ से, ओ माय ओ भाई यहाँ पर एक और है, शिट शिट भाई ये क्या हो रहा है, नो नो प्लीज गाइज। अभी कुछ देर पहले मैं माइनिंग करने के लिए एक केव के अंदर गया था, वो केव मेरे बगल में ही है, और वहाँ पे मैं अपना जो बॉक्स था वो वहीं भूल आया हूँ, मतलब जो मेरा चेस्ट था उसके अंदर मैंने काफ़ी सारे डायमंड वहीं माइन किए थे, और माइन करने के बाद मैं वो डायमंड मैं साथ ले लाना भूल गया और मैं वहीं रखा है चेस्ट के अंदर। सो अभी मैं चेक करने के लिए जा रहा हूँ कि वो डायमंड सेफ हैं या फिर कोई उन्हें चुरा के ले गया, और वैसे चुरा के वो लेके जाएगा नहीं, क्योंकि वो जो केव जो है वो मेरी सीक्रेट केव है और यहाँ पे कोई आता भी नहीं है। चेक करते हैं, डेंजरस व्हाट, उस टाइम तो ये साइन बोर्ड यहाँ पे नहीं था तो अभी कहाँ से आ गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे कोई भी नहीं होता है। और ये रहा हमारा प्यारा सा गाइस चेस्ट, ओ देखो भाई जितने सारे हमारे ब्लॉक्स भाई, मतलब यार मेरे को इतना सुकून मिला देखने के बाद, मजा ही आ गया भाई, बिल्कुल मजा आ गया, चलते हैं घर पे। वेट वेट ये कौन है, ये तो डिस्ट्रॉयड एलेक्स है, डिस्ट्रॉयड एलेक्स, ओ माय गॉड यहाँ पे कैसे आई है, भागो यहाँ से भागो यहाँ से भागो भागो, ओ माय गॉड पीछे पड़ गई, ओ कहाँ गिर गया मैं, ये कौन है, ओ माय गॉड ये कौन है गाइस, मैं कहाँ फंस गया फालतू में, वॉट अभी ये एक सपना था, अबे यार गाइस यार ये खतरनाक सा सपना था यार। ये देखो गाइस हमारे वर्ल्ड के अंदर लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरा, और यहाँ पर ये क्या है खतरनाक सी साइटनिंग होती है जिससे कि हमारा पूरा का पूरा विलेज ही डिस्ट्रॉय हो गया है, और पता नहीं ये साइटनिंग कैसी है। तो इसको चेक करने के लिए मैं सुबह हो चुकी है और मैं जा रहा हूँ उसी विलेज के अंदर जहाँ पे साइटनिंग हुई है, और ये देखो कितने बड़े बड़े लावा के यहाँ पे चट्टान बना के रखे हुए हैं, और आखिर ये साइटनिंग हुई कैसे और इसका रीज़न क्या है होने का भाई, मतलब ऐसा एकदम से तो होता नहीं कभी भी, और ना ही माइनक्राफ्ट में कोई सुनामी आती है ना कोई बादल फटते हैं, तो ये ऐसा कैसे हो गया भाई, इस पक्का यहाँ पे ये किसी की चाल है या फिर कोई हमसे जल रहा है या फिर कोई हमको मारना चाह रहा है जिसने कि इतना बड़ा गाइस खेल खेला है। वेट यहाँ तो ये काफ़ी सारे लावा ही लावा है भाई, लावा के अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ पे भाई, इतना सारा लावा, बट इसका हम लोग करें क्या यार, हमें तो ये विलेज को ठीक करना पड़ेगा दोबारा से गाइस, और ये काफ़ी ख़तरनाक साइट नहीं थी, और अगर जो कोई भी इस बंदा यहाँ पे होगा वो तो सब मर गए होंगे ना इतनी बड़ी साइटनिंग के अंदर। हाँ गाइस ये तो ट्रू बात है, सब मर गए होंगे, लेकिन वेट 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 गाइस यार ये कौन है, गाइस ये कौन है, बचाओ मेरे को प्लीज गाइस, इतना बड़ा इतना जाइंट हीरो ब्राइन, गाइस यार ये कौन है,
ओह शांति रखो शांति रखो, वो हमको देख ना पाए। और लगता है ये साइटिंग इसी बंदे ने कर दिया गाइस। सो ये बहुत ही अच्छा मौका है मेरा यहाँ से भागने का, वरना अगर इसने मेरे को देख लिया फिर तो ये मेरे को भाई यही पटक पटक के मारेगा। भागो यहाँ से यार, टाइम नहीं है। अरे वाह गाइस, लगता है मुझे आज का दिन काफी सुहावना और प्यारा है। चलो चलते हैं घर के अंदर। वाह हमारा घर कितना अच्छा है यार, और माइनक्राफ्ट के ग्राफिक्स कितने बढ़िया हैं, एकदम प्योर लग रहे हैं भाई, एकदम 100% शुद्ध। और ये क्या है भाई, ये तो हमारा, हाँ ये तो फार्म है। ओके काफ़ी बढ़िया। और लेकिन ये क्या है यार, चेक करते हैं। अरे वाह ये तो काफ़ी प्यारी केव है यार। लेकिन गाइस ये केव जितनी प्यारी दिखती है ना, ओ भाई उतनी खतरनाक भी है। स्किप दी टॉयलेट, नो स्किप दी नो। अबे स्किप दी ने हमें मार दिया यार, ये क्या हुआ स्किप दी। अभी रुको वॉइस में दोबारा आ चुका हूँ एक केव के अंदर, और देखते हैं इस केव के अंदर क्या होता है हमारे साथ। सो अभी मैं जा रहा था माइनिंग करने के लिए। वाओ डायमंड यार, क्या मजा है यहाँ पे यार। अरे भाई इतने सारी चीजें, लेकिन रुको इन्हें बाद में माइन करूंगा, देखता हूँ पहले और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे यार। वाओ लैपिस लिसोली, मतलब भाई एकदम अमीर वाली चीज़ें हैं यहाँ पे। करोड़पति बनूंगा आज तो, करोड़पति की रातों रात गाइस। देखो कितना सारा सामान है यहाँ पे, और देखते हैं अंदर क्या क्या है भाई हमारे लिए कुछ। ओ वेट गाइस, गाइस ये कौन सा मॉन्स्टर है प्लीज कमेंट करो फटाफट से, मेरे को इसका नाम नहीं मालूम, ये मेरे को मारने के लिए क्यों आ रहा है। अबे नहीं एलेक्स मार दिया, अरे पटक रहा है। ओ शिट भाई इसकी भैंस की टांग, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है गाइस। मैं इतना पिट रहा हूँ मतलब मेरे को शर्म भी नहीं आ रही पिटते हुए गाइस, इतना पिट चुका हूँ मैं। और अब मैं बिल्कुल भी नहीं पिटूंगा। अब रुको पहले जोम्बी को मारता हूँ, ये कहाँ से आ गया भाई। जोम्बी को मारो 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 मारो, ओके मारूंगा सबको, मार दूंगा भाई सबको मार दूंगा मैं। अभी मर जा भाई जोम्बी, क्या कर रहा है, निकल यहाँ से। बट मैं गाइस जिस काम के लिए यहाँ पे आया हूँ पहले मैं उसको कंप्लीट करता हूँ। पहले मैं मारने के लिए आया हूँ उस घोस्ट को जिसने मेरे को भी थोड़ी देर पहले मारा है।